किसान भाइयों नमस्कार। हमारा YouTube चैनल टॉप जी एग्रीकल्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देसी मुर्गे और कड़कनाथ मुर्गे जो खुले में पालन हो रहा है मुर्गी पालक से मिलेंगे। और इस मुर्गी पालन को आप देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम खुले में सारी व्यवस्थाएँ खुले में हैं। और इनको कहाँ से प्रेरणा मिली है, कैसे ये मुर्गी पालन किए हैं देसी मुर्गे का और कड़कनाथ मुर्गे का, तो इसके बारे में संबंधित सारी जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से, जो कि किसान भाई से मिलते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुरजेश गुप्ता है। भैया जैसे हम लोग आज इस मुर्गी पालक पे आए हैं, मुर्गी पालन पे आए हुए हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली देसी मुर्गी का पालन का, और ये कड़कनाथ मुर्गा जो आप पालन कर रहे हैं इससे संबंधित आप जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। एक्चुअली क्या आपने शुरू किया और कहाँ से आपको ये देखने को मिला कि ये अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य किसान भाई हैं जो ब्रायलर तैयार करते हैं, और आपको ये देसी का दिमाग में कहाँ से आइडिया आया? देसी मुर्गी का एक्चुअली क्या आइडिया है कि कभी क्या होता है कि मार्केट में जैसे किसान कोई भी हो गया पब्लिक जो मीट खाने वाले हैं देसी मुर्गे के, वो जाते हैं तो कहीं किसी का मुर्गियाँ कम हैं ज़्यादा हैं, तो उससे 1,000 रुपये 1,200 1,500 पर पीस मुर्गे का लेते हैं। तो हमारा ये रहा कि सिद्धांत ये रहा कि हर किसी को देसी मुर्गा कम मीट खाने को मिले, तो मैं पालन भी किया और सबको एक उचित रेट पे अपना मुर्गियों का वो मीट के लिए उनके देता हूँ। और फिर हाँ, मीट कटने के लिए मैंने देता हूँ, अपना ले जाएंगे अपना काट के खाएंगे। अच्छा। और मेन मेरा बिजनेस है हैचरी का, मेरा हैचरी गोरखपुर बरगदवा में है, और मैं इनसे अंडे लेके चूजे निकलवाता हूँ। और कोई किसान भाई अगर हमसे चूजा लेगा तो जब उसके वहाँ अंडे पैदा होंगे, अंडे उत्पादन होगा, तो वो हमें मैं उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके अंडे मैं लेता रहूँगा। वो चाहे तो आप अन्य मार्केट किसी को भी मार्केट में बेचें ना, तो हमें लेंगे, तो मैं अपना एक रेट फिक्स कर लेता हूँ, चाहे अंडे 10 रुपये का रहा है, चाहे 12 रुपये का रहा है, चाहे जैसे जो मेरा रेट फिक्स हो गया फर्स्ट टाइम, उस रेट पे हमेशा लेते रहेंगे। किसान जब इच्छा चाहे तब आपको, हाँ जब चाहे तब हमें दे दें। चूजा भी ले सकते हैं किसान भाई, हाँ चूजा संपर्क करना चाहे आपसे तो चूजे भी आपके आप हाँ, सोना ले सकते हैं। हाँ सोनाली का और कड़कनाथ का चूजे मिल जाएंगे जी। और जैसे इनको आप ये दाना आप कैसे देते हैं? एक्चुअली दाना क्या है कि हम इनको ओपन एरिया में रखे हैं, खुले एरिया में, तो इनको केवल मॉर्निंग में जैसे हम लोग चाय नाश्ता करते हैं इनके फीडर में उसी मुताबिक दाना डाल देते हैं, अपना खाते हैं। फिर इनको बाहर खोल देंगे, ये ग्राउंड आपके सामने दिख रहा है, यहाँ खोल देंगे और आइए हम आपको दिखाते हैं कि इनको हरी घास भी देता हूँ तो, और इससे हमारी जो इनको खिलाने की जो कास्ट आती है वो बहुत कम आती है। और वैसे भी ये खुले में रहते हैं तो अपना हाँ ये जैसे जब जितने ही ओपन में रहेंगे इनमें बीमारियां कम आएंगे। बिल्कुल। इसे मान लीजिए आप अगर इनको रख रहे हैं, लगभग कितने देसी मुर्गे हैं और प्लस कड़कनाथ कितने होंगे? इस समय हमारे पास लगभग 200 मुर्गियां और 50 मुर्गे हैं, बाकी और हमने सेल आउट कर दिया, थोड़ा सेल आउट हो गई। सेल आउट होने के बाद फिर अभी ये हमारे अंडे लगभग पर डे हमारे वहाँ 200 मुर्गियों से 150 अंडे हो रहे हैं, और मेरा एक फार्म और है वो पीपीगंज में है 2000 बर्ड का, वहाँ से भी चूजे अंडे भी देसी मुर्गे वहाँ पे देसी और कड़कनाथ दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसान हमारे जो मीट या मांस खाने वाले ग्राहक हैं या और किसान जो पालन करते हैं मुर्गी पालक देसी का, तो ये अगर मान लीजिए कड़कनाथ मुर्गा अगर पालन करना चाहते हैं तो, या देसी आप लेना चाहते हैं तो क्या इनमें आप कैसे उनको दे सकते हैं, किस माध्यम से कैसे क्या रेट एक्चुअली फिक्स किए हैं? एक्चुअली क्या है कि मांस कितने रेट में जा रहा है? देखिए देसी का तो कोई मांस का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई रेट नहीं है, जो भी रेट हम आप जितने में बेच लें, अपना सामान हम जितने में बेच लें वो मिल जाता है। एक्चुअली अब हमारे पास संख्या ज़्यादा है, अब हम पर बर्ड्स का 1,000 मांगे तो नहीं मिलेगा, तो हमको अपना प्रॉफिट भी देखना है और हमारे बर्ड्स को भी मार्केट में खपत करना है, तो वही एक बर्ड्स लगभग 600 700 800 पर बर्ड्स मिल जाती है। कितने वेट की हो जाती है ये
छः महीने में जो मेल होता है 150 यानी 1 किलो 500 ग्राम के आसपास होता है, उससे ज़्यादा इसका वेट नहीं होता। और ये कड़कनाथ का क्या है? कड़कनाथ एक्चुअली क्या है कि इनका ग्रोथ थोड़ा कम है, ये लगभग 7 महीने ले लेते हैं 1.5 केजी तक होने में। अगर हम इनको बॉयलर फीड दें तो लगभग 3 महीने में खाने के लायक हो जाते हैं, लेकिन हम इनको देसी पर्पस पे डालते हैं, एकदम प्योर नेचुरल पे रखते हैं इनको। बस सुबह शाम केवल जीने के लिए केवल दाना देते हैं, ना तो बाकी इनको बाहरी हरा चारा अन्य उस पर डिपेंड करते हैं। हमारा पूरा खेत है, खेत खोल देते हैं गेट और खेत के अंदर जाके अपना हरा चारा जो भी कीड़े मकोड़े खा के फिर अपने शरीर में आ जाते हैं। अगर इसे लगभग एक दिन का एक देसी मुर्गे पे या कड़कनाथ मुर्गे पे कितना खर्च आ जाता है? अगर हम फीड पे रखेंगे तो लगभग इन पे बड़े जैसे होंगे जब 4 महीने के ऊपर को जाएंगे तो उनको 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में हरा चारा चाहिए। नहीं, ये दाना अगर हम इनको फीड पे रख रहे हैं तो अच्छा। अगर इनको खुले में रख रहे हैं नेचुरली चीज में आप क्या दे देते हैं, इनमें कितना खर्च आ जाता है लगभग पर पक्षी के ऊपर? पर पक्षी पे लगभग मेरा खर्च 2 रुपए के समथिंग आता है। मान लीजिए अगर 20 रुपए केजी दाना है तो 100 ग्राम दाना देंगे तो मेरा 100 ग्राम का कितना हुआ? 2 रुपए हुए। मान लीजिए अगर हमारे अन्य किसान भाई अगर मुर्गी पालन से संबंधित आपसे चूजा या लेना चाहते तो उनसे आप संपर्क कैसे किया जाए आपसे? वो हमारा नंबर नोट कर लें, 82 99 57 76 38, इस नंबर पे संपर्क करें। आपके फार्म का क्या नाम है? और मेरे फार्म का नाम आदर्श एग्रो फार्म है। मेरा फार्म गोरखपुर जिले के सजनवा थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है चांदवारी, वहाँ पे मेरा फार्म है। और ये फार्म चौक माफी कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके अंडर में डॉक्टर विवेक सिंह है कृषि वैज्ञानिक, उनके देख रेख में हम लोग करते हैं। और ये अंडे का भी आपने उत्पादन कर लिया है, ये अब जाएगा आपका वो हैचरी में, इसको भेज रहे हैं आप? अंडा हमारा हर तीसरे दिन हैचरी में चला जाता है और अंडे हमारे चले जाते हैं हैचिंग के लिए, और 21 दिन के बाद अंडे निकलते हैं। और ये सब मुर्गियां अंडे दे रही हैं, ये सब अंडे दे रखी हैं, और जैसे अंडे देती हैं वैसे हम लोग अंडा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुर्गी अंडे पे बैठती है तो फिर ये अंडा देना बंद कर देगी। क्योंकि देख सकते हैं पूरे फार्म में मुर्गियां अंडा दी हुई हैं, अभी से कलेक्ट करके फिर हैचरी में भेज दिया जाएगा। हाँ, हर तीसरे दिन हैचरी में जाता है, देख सकते हैं। और किसान भाई अगर आप लोगों को इसके बारे में संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस इनके भैया के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हाँ, एक बार नंबर नोट कर लें, फर्म का नाम और आपको सारी डिटेल दी हुई है, आप इसे पे नंबर पे संपर्क करें। और आपको चूजे और मांस के लिए आपको देसी मुर्गे कड़कनाथ मुर्गे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी जी। और हम चाहेंगे आप लोग अधिक से अधिक लोग आके इस फर्म पे संपर्क करें। धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार, राम राम।